टाइम बचाना है ना, टाइम बचाना है अनुभव। ठीक है, ठीक है सर, काफी भी नहीं है। देखो वो कैसे करना, हेडिंग क्या देंगे बाबू, शांति से सुनना, मल्टीप्लीकेशन बाय बाबू शॉर्टकट मेथड। ठीक है, देखो अब शांति से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अभी तक आपने मल्टीप्लीकेशन किया, मान लो बाबू 22 मल्टीप्लाई 22 21 है ना, कैसे करो, 2 किए हो, ये 2 हो गया, इधर से किए 4 हो गया, इधर से किए 4 हो गया, ये 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यही किया बाबू, यही किया ना। ठीक है सर, यही तो किया, ये तो सब जान लेते बाबू। देखो कैसे करना, नेक्स्ट बाबू कैसे करना है, अगर मान लो आप समझो 22 है बाबू, मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो सिंगल लाइन में करना है। ठीक है ना, हमको सिंगल लाइन में करना है, एक लाइन में करना है, या 1 2 3 लाइन में नहीं करना है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, एक लाइन में कैसे करूंगा, ठीक है सियोना बाबू ऑन कीजिए, सियोना दिखाई दे रहा बाबू, सानवी यस सर दिखाई दे रहा है। हाँ बाबू, पैसा वसूल पढ़ाई पढ़ते हो, शर्मा जी नहीं आए, फिर शर्मा जी बोलेंगे कि हमको नहीं बताएं। अच्छा चलिए ठीक है बाबू, देखो कैसे करना बाबू, पहले सीखो। ठीक है ना, अदिति नहीं आई है, गोल मटोल हमारी खान मैं है जी, बैठी हुई शांति से, पहले क्या करना बाबू, ये दोनों भी फेयर में लिख लेंगे। हाँ बाबू, इसको भी फेयर में लिख लेना, पहले बाबू ये साइड दोनों, ये दोनों साइड नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक, पहला स्टेप क्लियर हुआ, समझ के चलो। ठीक है ना, लिखना बाद में वो, पहले 2-3 क्वेश्चन समझा देते। ठीक है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगेगा वो, लेकिन आज जब आप इसको हैबिट में डालोगे तो इससे आसान हो जाएगा, इससे आसान ये मेथड हो जाएगा। लेकिन आप लोग बचपन से ये वाला कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो अभी आपको ये आसान बुझाता होगा, लेकिन जैसे इससे 10-15 क्वेश्चन करोगे तो ये वाला भूल के ये वाला याद हो जाएगा। पहले क्या करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है सर, फिर क्या करना, शैतान हमारी सौम्या को आपको दिखाएंगे, सौम्या तुरंत कर लेती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, 4 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 2 हुआ सर। ठीक है सर, 2 × 2 कितना हुआ, वो 4 हुआ, 4 हुआ सर, समझो शांति से समझो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मिले, पहले इसको इससे करना था 2 हुआ सर, इसको इससे करना था 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, इसको ऐड कर देना, 2 + 4 कितना, 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से लिख देना। ठीक, ठीक है सर, लास्ट में क्या करना बाबू, ये दोनों जो बच गया ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, आया 4 × 6 = 2 आया। ठीक, मतलब सर लास्ट वाला को एक साथ मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ बाबू, थोड़ा बहुत समझ में आया, देखिए अदिति नेक्स्ट सर, क्रॉस मल्टीप्लाई को जोड़ के लिखना है। हाँ बाबू, जोड़ के लिखना, शांति से समझ जाए। ठीक है, जैसे बाबू 13 है, मल्टीप्लाई बाबू आपका कितना है, ठीक है 23 है। ठीक, समझो, उसमें नहीं समझ में आया इसमें समझो, ये क्या बाबू मल्टीप्लीकेशन है, समझो समझो, लिखना बाद में बाबू, समझिए आप लोग। नारायण जी दर्शन दीजिए ना, क्यों ना दर्शन दीजिए, शर्मा बाबू दर्शन दीजिए, चलिए ठीक। देखिए क्या करना, पहले साइड से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा, समझो समझो समझो, पहले समझो ना बाबू, लिखने का टाइम देंगे ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 3 कितना होगा सर, 3 होगा, 3 × 2 कितना होगा सर, 6 होगा, 3 + 6 इसको ऐड कर दो, 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देना, लास्ट में ये नंबर बच गया वो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 और नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू 14 है और 23 है बाबू, 22 अभी ले लेते हैं, अभी कैरी वाला नहीं लिए, तो कैसे करोगे, देखो सानवी, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, तो 4 × 2 कितना, 8 हो जाएंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 कितना होगा, ये सब लिखने की जरूरत अभी आपको तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, 2 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा, 2
टू इंटू फोर कितना होगा, एट होगा, इसको ऐड कर देना टेन हो गया। तो टेन में बाबू, अब बाबू कहीं भी रहता है, जैसे मान लो बाबू, अगर मान लो क्या 16 है और बाबू 14 है, तो इसको ऐड करते हो, तो इसको ऐड करते हो तो कितना, 6 प्लस 4 कितना 10, तो एक कैरी एक आगे होता है ना बाबू। 10 में हम लोग बाबू 10 पूरी लिखते हैं, 10 में शैतान 10 कभी लिखते हो कि 0 लिखते हो, तो कैरी एक होता है, तो एक एक दो आए कितना होता है, 3 होता बाबू। कहीं भी कैरी आता बाबू, तो यूनिट डिजिट लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ 10 आ गया ना, तो 10 का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 10 में बाबू 10 10 मत लिख देना, कहीं भी एडिशन करते बाबू, जैसे मान लो 98 फिर उसको ऐड कर देंगे, ये 97 है, तो इसको कैसे सोल्व करते हो, 8 7 15, तो 15 में 15 लिखते हो बाबू, 15 में 15 नहीं ना लिखते हो, 15 में 5 लिखोगे, बचा कैरी कितना 1 बचा, तो ये 9 9 18 और एक और इसमें ऐड कर देते हो, तो 9 9 18 प्लस एक पीछे से आ जाओगे, ऐसी करते हो ना एडिशन मेरे बाबू। तो यही कंसेप्ट तो यहाँ पे अप्लाई करना है, 8 2 10 आ गए, तो 10 का हम लोग 0 लिखेंगे, कैरी 1 बचा ना, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड बाबू पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 1 × 2 कितना 2, आएगो पीछे वाला कैरी था तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 0 8 हो जाएगा। अब ये तीनों पहले आप लोग राइट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बता दो, समझ में आया बाबू। 6 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
नारायण जी समझ में आया? यस सर समझ में आ रहा है। हाँ तो इस मेथड से नहीं करना है बाबू, इस मेथड से आज के बाद से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों सर? इसलिए नहीं करना बाबू कि आपको उसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना? और आपसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन पूछेगा तो रिजल्ट पूछेगा, तो जितना जल्दी जल्दी रिजल्ट आप बता दो। सर कितना कोई कोई सा भी नंबर कर सकते सर इस मेथड से? हाँ बाबू दो डिजिट का कोई भी नंबर कर सकते। सोना समझ में आया बाबू? सोना ए प्यारे से दुलारे से न्यारे से सोना, सोना दर्शन दीजिए ना। और सोना गुस्से में है। समझ में आया दित्री? यस दित्री नहीं आया तो बोलिए ना सर नहीं आया। हाँ चलिए ठीक चलिए आया समझ में। सोना क्यों गुस्से में बाबू? हमको अच्छा मैं हमको कैसे पता चल गया कि हमारे सोना गुस्से में है, अपसेट है? अभी तो आप दर्शन भी नहीं दिए थे। चलिए राइट डाउन कीजिए बाबू। यस सर समझ आ गया, इजी है। आज के बाद से ये मेथड फॉलो नहीं करना, इसी मेथड को फॉलो करना एक लाइन में। तो आपके स्कूल जाओ बाबू तो कोई फ्रेंड पूछेगा जैसे मल्टीप्लाई आएगा तो ऐसे करना, अरे कैसे कर दी बताओ ना, हमको भी थोड़ा बताओ ना। कहना 1000 रुपया दो 1000 पेड करो बताते हैं, गिव मी 1000 देन आई विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट थर्ड हुआ ये साइड, ये भी लिख लेना बाबू, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, बोर्ड पे जो रहते हैं ना सभी लिखना है ना। नेक्स्ट बाबू फोर्थ नंबर जैसे मान लो बाबू क्या है 27 है बाबू और 25 है। अब थोड़ा कैरी वाला लेते हैं, थोड़ा अब क्या लेते हैं कैरी वाला लेते हैं। अब देखो कैसे करना, मैंने जितना भी टाइप पॉसिबल है वो सब बता देंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। हमारा तो पुराने का वही स्टाइल, ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन करवा के छोड़ दिए, जितना भी पॉसिबल है बाबू सब कुछ बता देंगे। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करना, तो 7 × 5 कितना होगा 35 होता है। 7 × 5 का वैल्यू कितना होता है 35, तो 35 में हम लोग 5 लिखेंगे, कैरी 3 बच गया। कहीं भी बाबू दो डिजिट नहीं लिखा जाता है, इतिहास तक इतना जब भी मल्टीप्लिकेशन पड़े बाबू तो दो डिजिट थोड़ी लिखते हैं, एक डिजिट लिखते हैं ना। तो 7 × 5 35 में कैरी 3 आएगा, 35 में कैरी 3 आएगा, याद रखना है अभी 3 कैरी है ना बाबू, 3 दबाओ कैरी। नाउ बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, तो 2 × 5 कितना सर 10। ये अभी हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे बाबू तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं ना आएगा इसलिए हम लिखने को बता। 2 × 5 बाबू 10, 7 × 2 बाबू 14, ठीक है। ये वो 3 कैरी था तो इसको भी ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, है ना बाबू। 2 × 5 सर 10, 2 × 7 सर 14, और 3 पहले से कैरी था बाबू 3 भी ऐड कर दो, तो इसको ऐड करोगे 27। तो 27 में 7 लिखे, 27 में 27 लिखे, नो बाबू कांट राइट 27, राइट बाबू 7। कैरी क्या बच गया 2 बच गया। लास्ट बाबू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 2 × 2 हाउ मच बाबू 4, 4 + 2 6, 600 ना।
ठीक है, तो ये सब हम आपको इतना इतना टाइम लग रहा है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू फिफ्थ नंबर, कहीं भी बाबू मान लो जैसे फोर फोर है और ये भी फोर फोर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कैसे करोगे, शांति से सुनो ना फिर लिखते रहना ना। फोर इंटू फोर हाउ मच बाबू, फोर इंटू फोर कितना, सिक्सटीन। अब डायरेक्ट हम करने की कोशिश करते हैं, सोचो क्या अब इतना नहीं लिखते हैं, फोर इंटू फोर बाबू सिक्सटीन, सिक्सटीन में सिक्स हो गया, कैरी क्या हो गया, वन हो गया। ये देखो फोर इंटू फोर सिक्सटीन, अब फोर इंटू फोर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन हाउ मच बाबू, थर्टी टू, थर्टी टू में बाबू वन कैरी, थर्टी टू एक थर्टी थ्री है ना, थर्टी थ्री, फोर फोर बाबू कितना, सिक्सटीन, सिक्सटीन हो गया बाबू, सिक्सटीन में बाबू थ्री पहले से कैरी था, तो सिक्सटीन और थ्री नाइनटीन, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, ठीक है, समझ में आ रहा है दित्री बाबू, क्या दित्री बोलिए ना बाबू, आपको हमेशा कंफ्यूजन है होता, मैंने बेसिक बाबू बेसिक, हाँ बाबू बोलिए जानवी सर, आपने जो बताया कैरी वाला भी मुझे समझ में आ गया, पर सर मुझे डायरेक्ट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बाबू डायरेक्ट करने में इसलिए प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बाबू, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। सर एक बार और ये वाला समझा दीजिए ना। ओके सर, चलिए लिखिए बाबू, हम बता रहे हैं बता रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो गया आदित्री, कैरी में कहाँ दिक्कत हो गया बाबू, सर जो 35 लाए उसमें से ही दिक्कत हो गया सर। अरे वो सेवन मल्टीप्लाई फाइव थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव में बाबू हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, मान लो कहीं ऐड करते हो शैतान, ठीक है ना, जैसे बाबू 99 ऐड करोगे 99, तो इसको कैसे ऐड करते हो बताओ, 99 कितना आदित्री, 99 कितना, 18, 99 18, 99 प्लस 9 18, तो 18 लिखते हो बाबू, क्या लिखते हो सर, कैरीज वन करेंगे टेंथ प्लेस को, हाँ कैरी, तो एक लिखो नेक्स्ट बाबू, नाइन प्लस नाइन कितना, 18, 18 आप कैरी पहले 19, तो यही करते हैं बाबू, तो यही तो किए हैं, सेवन मल्टीप्लाई फाइव 35, तो 35 में हम लोग क्या लिखें बाबू, थ्री फाइव लिखेंगे ना, जो होगा कैरी हो जाएगा, थ्री कैरी होता है ना, समझे, यस सर समझे बाबू, कहीं भी 40 जैसे 9 मल्टीप्लाई अगर 5 करते हो, 9 मल्टीप्लाई 5 करते हो, ठीक है, तो 9 5 45 हो जाएगा, तो 5 लिखेंगे, 4 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, टेंस डिजिट वाला, समझे कि नहीं समझे, यस सर समझ गए, चलिए ठीक है बाबू, एक अपने से आप लोग बना के दिखाइए, तो सिक्स नंबर बच्चा वाला, मान लो बाबू कितना है, सिक्स है, ये भी सिक्स वन है और ये सिक्स टू है, ये मल्टीप्लाई है, कीजिए तो सिक्स वन मल्टीप्लाई सिक्स टू, अब इसमें बाबू आप आधा घंटा टाइम लगाओ, थ्री सेवन एट टू, थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी टू बाबू, अगर इसमें आप आधा घंटा लगाते हो बाबू, तो फिर हमको बताने से क्या फायदा होगा, ये मेथड बहुत आसान है बहुत, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें देखो दो हो गया, छो दुनी बारह, छो अठारह, एक अठारह हो गया, छो छत्तीस, थ्री सेवन एट टू, कैसे की पहले दिखाओ तो सानवी, दिखाओ तो कैसे, हाँ दिखाइए, हाँ टू आठ और, चलो ठीक है बाबू, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करना, थोड़ा डॉक्टर कम बनी किसी हो ना कि नहीं, कि जानवी आपका सर थोड़ा सा साइड हो जाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना, ये बाबू की नहीं किया हो गया सर, बाबू आपका दित्री हुआ सर, मेरा हो गया सर, तो मेरा आंसर आया 3782, हाँ सर मेरा भी आंसर आया 3782, हाँ बाबू, तो इसी तरह से करना है मल्टीप्लाई, देखो कैसे करोगे, वन इंटू टू डायरेक्ट, वन इंटू टू कितना बाबू, टू हो गया,
इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 2 कितना 12 सर, आई 6 इंटू 1 6 सर, तो 12 प्लस 6 कितना सर 18 सर, 18 का हम लोग 8 लिखेंगे, पहली 1 बचेगा, 6 6 कितना सर 36 सर, 36 प्लस 1 कितना 37 हो गया, तो दिस इज द आंसर बाबू। तो इसको आप कितना जल्दी करते हो, नेक्स्ट बाबू, सिक्स नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट सेवन नंबर बाबू, 45 मल्टीप्लाई 45, हु विल डू फास्ट, बताओ सियो ना कौन तेज करती है, अब कंपटीशन ना बाबू, यार कंपटीशन इज स्टार्ट, यही ना कंपटीशन है बाबू, आप कितना जल्दी आंसर लाते हो, मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे लाते हो, ये मायने रखता है 2025 देखो, तो सोचने वाला सोचते रह जाएगा सर, 2255 45 कहां से आएगा सर, इतना मर मरेंगे 45 कहां से आएगा सर, 55 नहीं होंगे बाबा, 25 520 225 हो गया सर, 20 40 दो 42 का दो होगा सर, तो 25 ना होगा, हां 25 होगा सर, मेरा आंसर आ गया, कितना आया 2525, अरे बाबू 500 नहीं आएंगे बाबू सर, मेरा आया 2025, हां 2025 आएंगे सर, मेरा भी आ गया 2025, दिखाइए तो सानवी, दिखाइए तो, मेरा भी आया 2025, दिखाइए तो सानवी, हमको सानवी पे विश्वास नहीं होता, ये भी कहेगी सर बार बार कैमरा ऐसे करना पड़ता, देखो नहीं बनाई है, नहीं किया तब हमको ये, देखो 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 देखो, पकड़ा गई चीटिंग करने वाली, बाबू लगता आप साइड से पहले किए हो बाबू, सानवी पहले वो ये बताए, सही बोलिएगा, पहले आप ऐसे किए हो बाबू, जैसे बचपन में सीखे बाबू वैसे करके किए हो क्या, डायरेक्ट आंसर लिख दियो सानवी, झूठ मत बोलिएगा, 25 और ये 5 × 10 और कितना हो जाएगा 2 22 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, 4 × 8 = 9 हो जाएगा, 416 बाबू, 16 × 1 = 17, अरे हम भूल जाए, 25 और 5 × 20 2 22 5 × 20 है ना बाबू, आइए 18 हो जाएंगे, तो ये 5 2 और 0 आइए 2, ऐसे क्यों ना बाबू सानवी, पहले ऐसा नहीं बाबू सर, आपने जो मेथड में पहले सिखाया था ना, उस वजह में मतलब मैं कर रही थी और मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैंने ऐसे किया, फिर वापस मैंने ट्राई किया, हाँ बाबू ऐसे आप किए बाबू, तो आपको हम बताए ना कि वाला मेथड सर, अभी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं बाबू डायरेक्ट है करना, ऐसे में हम ये बता रहे हैं ना, किसान जी आप ऐसे क्यों किए, ये वाला ट्रेडिशनल वाला क्यों किए, जो आप बचपन में सीखे, हमको कैसे पता चला बताइए, तो हमको कैसे पता चला, यही होता है मन से पढ़ाई है ना, कोई भी चीज सिद्धर से काम की जाएगी ना, तो स्टूडेंट के हर एक्टिविटी पता चल जाता है, आपको पता चल गया ना कि आप ऐसे किए हो, देखो बाबू कैसे करना, कंफ्यूज क्या होना बाबू, स्टेप बाय स्टेप करना है ना, कंफ्यूज क्या होना इसमें, देखो कैसे करोगे, ऐसे मत करना बाबू, ये तो आप सीखे हो ना, कुछ नया नहीं सीखोगे जिंदगी में बाबू, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे ना, मान लो हमारे पास बाबू जैसे पहले क्या आता था, नोकिया का मोबाइल 1100 आता था, है ना, नोकिया 1100 आ रहा है, तो ये क्या था, कीपैड वाला मोबाइल था बाबू, यहाँ क्या रहता था 1 2 3 4 5 ऐसे रहता था, यहाँ छोटा सा डिस्प्ले, अब मान लो बाबू अगर इस मोबाइल में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता बाबू, तो आप लोग अभी लाइव क्लास नहीं कर पाते, घर बैठे क्लास होता नहीं होता, तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है बाबू, है ना, पुरानी चीज को रिप्लेस करके नया चीज लाया जाता है, ठीक है ना, तभी इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप हमें बार बार बोले इसको आप रिप्लेस कीजिए, ये भी मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, इसको रिप्लेस कीजिए, इसको भूलिए आप और इस मेथड को फॉलो कीजिए, इसमें से आपका टाइम सेविंग होगा, है ना बाबू, टाइम सेविंग होगा, देखिए बाबू कैसे करना है सर, हाँ बाबू बोलिए सर, ये वाला मेथड हम सिर्फ 2 डिजिट से करते हैं, हाँ बाबू सिर्फ 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट वाला थोड़ा सा होता ही यही है उसका थोड़ा अलग, ओके सर, बाबू ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही वैलिड है, ठीक है ना, तो 2 डिजिट ज्यादातर क्वेश्चन आपको 2 डिजिट वाला ही मिलेगा ना, ठीक है, देखो कैसे करना, ये साइड से मल्टीप्लाई करना बाबू, 5 5 कितना 5 5 25 होगा बाबू, 5 × 5 कितना 25, तो 25 में 5 लिखेंगे, ठीक है, कैरी क्या बचा 2 बचा,
यहाँ से बाबू इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 = 20 कैरी दो भी है ना बाबू, कैरी दो भी है ना, तो ऐड कर लो तो 20 × 22 कितना 42, तो 42 में क्या होंगे बाबू, 42 का हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, तो 42 का 2 लिख दिया, कैरी क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 कितना 16 प्लस 4 कितना 20 तो करना था बाबू मेरे 63 बाबू और 62 कीजिए जल्दी से कीजिए। अब थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से कीजिए बाबू, अब बड़ा वाला लेते हैं, अब ज्यादा कैरी वाला लेंगे सर। 3906 सर, अनम्यूट किया सर ने तो मेरा ही पहले था म्यूट था सर, म्यूट में ही हम बोल दिए चले के कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा आंसर है 3906। हाँ बाबू वेरी गुड बाबू। न्यू स्टूडेंट आएंगे कैसे, समस्या भी ये हो रहा है, 5 बजे से बैच शुरू करेंगे बाबू, स्टूडेंट आएंगे तब ना इसमें से कुछ को उसमें डालेंगे एडवर्टाइजमेंट। आपका नारायण बाबू छुट्टी हो गया स्कूल में बाबू? यस सर, 10 दिन का छुट्टी मिला है। चलिए ठीक है, तो 10 दिन बाबू छुट्टी मिला, देखते हैं कॉन्टेक्ट करते हैं सारे पेरेंट्स से, कॉन्टेक्ट करेंगे हम करेंगे या किसी का थ्रू करवा देंगे, है ना, जिसको इंटरेस्ट रहेगा अपना आएगा। कोचिंग है बाबू तो कोचिंग को प्रचार जरूरी है ना, प्रचार तो जरूरी है, नहीं तो हम कोई। हाँ बाबू बोलिए सर, मेरा आंसर है 8906। हाँ बाबू तो थोड़ा जल्दी लाइएगा ना, जल्दी लाइएगा ना बाबू, देखो कैसे करना, 3 × 2 कितना बाबू 6 हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करो ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 2 6 × 2 12 सर, 6 × 3 18 सर, 12 + 18 कितना 30 हो जाएगा सर, 30 के हम लोग 0 लिखेंगे बाबू, 6 × 6 कितना 36, 66 जा बाबू 36, अब प्लस 3 36 प्लस 3 39। समझ में आया सानवी? और एक क्वेश्चन दीजिए ना सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा और भारी वाला लेते हैं ना बाबू, भारी वाला लेते हैं, 9 नंबर बाबू, 7 8 बाबू और 8 7 कीजिए, तो इसको सर 6786 36। आप लोग अपना डिसाइड करो, आप भी बोलो जानवी, बोलिए जानवी। सर मैं कर रही हूँ, जल्दी कीजिए। दोनों में सही कौन है बाबू, आप लोग डिसाइड कीजिए, दोनों लड़िए अपना। आपका क्या है सानवी? सियोना? सर मेरा आंसर आया 6786। सर मेरा 6786। आपका सियोना? सर 5 ऐड करना भूल गए थे। बोलिए सुना, बोलिए बाबू, बोलने दीजिए बाबू अंशु जी। 6786। आपका माइक कमजोर है बाबू क्या, बहुत स्लो आ जाओ ठीक है, बहुत स्लो साउंड आता है। चलिए ठीक है, फिर भी हम सुन लेते हैं, देखो कैसे करना शैतान, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 7 सर, 8 7 जा कितना होगा सर, 8 7 जा 56 होता है ठीक है, तो मेरा भी आंसर आ गया। हाँ बाबू 8 7 जब 56 होता था, तो 56 में 6 लिखेंगे, कैरी 5 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7 × 7 कितना 49 हो गया सर, 8 × 8 कितना हो गया 64 हो गया सर, और यहाँ से कैरी 5 सर था सर ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐड करो,
है ना, वो तो कितना हो जाएगा, नौ नौ 18 हो जाएगा, वो नौ पाँच चौदह पाँच अठारह अठारह हो जाएगा, पाँच छः एक दस, एक सिक्स प्लस फोर कितना, टेन, टेन बाबू, टेन एक कितना हो गया, इलेवन हो गया, छः चार दस बाबू, एक ग्यारह होगा ना, जैसे नौ नौ पाँच चौदह अठारह, अठारह का आठ, थर्टी वन, थर्टी वन छः प्लस सिक्स टेन, सिक्स प्लस अभी फोर प्लस सिक्स टेन, और वन करे वन एट, तो बाबू 118 में बाबू क्या लिखेगा, सिर्फ यूनिट डिजिट में, 118 में बाबू 118 में क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, ठीक है सर। तो कैरी कितना बच जाएगा, 11, कैरी कितने बच जाएगा, 11 है ना, इसलिए क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट बाबू 8 × 7 = 56 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बाबू, और ये 6 हो जाएगा, है ना, 67 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अच्छा तो बनाया दिखाए तो नारायण बाबू, चीटिंग किया होगा ये, नो सर दिखाते हैं, उल्टा दिखेगा सर, एक मिनट दिखाते हैं आपको, आप दिखाए सानवी, एक मिनट, हमको तो लग रहा है सानवी, हमको लग रहा है सानवी फिर चीटिंग की होगी, देखो 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 देखो, पकड़ा गई पकड़ा गई पकड़ा गई, की नहीं बाबू, बाबू क्यों नहीं आप ये समझ रहे हो, सर मैंने किया है, ना ही किया है, आप हम बोलोगे हम विश्वास कर रहे हैं, देख लीजिए, आप दूर मोबाइल और दूर कीजिए, मोबाइल तो हाँ चलो ठीक है, सानवी क्यों झूठ बोल रहे बाबू, इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं बाबू, हमको पता नहीं है, आप छोड़िए आप छोड़िए, ठीक है ना, आप बताइए बाबू, आप ट्रेडिशनल मेथड से किए थे कि नहीं किए थे, हो गया सानवी, हो गया हो गया, तो नहीं किया बाबू, तो ये एडिशन करके आप कहाँ लिखे, इतना जल्दी आप माइंड में कैसे ऐड कर दिए, ये वाला एडिशन करके आप कहाँ लिखे सर, हाथ में नहीं बाबू, संभव नहीं है, हाथ में 49 कहाँ से लगा, 49 कैलकुलेटर, देखो सानवी हमारी पकड़ आ गई बाबू, बहुत शैतान चलिए ठीक है बाबू, जब ठीक है टेंशन मत लीजिए, होता है, लेकिन जो प्रोसेस करे इसको फॉलो कीजिए ना बाबू, ये आप मैंने क्यों उस तरह से कर रहे हो, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट 10 नंबर, सबसे बड़ा इससे बड़ा कोई नंबर, टू डिजिट का इससे बड़ा नंबर ही नहीं है, टू डिजिट बाबू इससे बड़ा नंबर नहीं है, करो टू डिजिट का इससे बड़ा नंबर ही नहीं है, सर बन गया 9801, हाँ सही है, 9801, सानवी दर्शन दीजिए ना बाबू, नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए ना सानवी, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आता है दित्री, सर दिखाए सर, नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, जिसको पे विश्वास, हाँ बाबू बोलिए, तो अब कहाँ दिक्कत हो रहा है, ये सबसे बड़ा बाबू, इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है ना, इससे टू डिजिट में बड़ा नंबर है ही, सर आंसर आ गया, कितना आया, 9801, आपका सोना, आया दित्री, सर अब मैंने सच में किया, आप सच में की है, चलिए अच्छी बात है, अब देखिए अभी हमारे साथ स्थान भी दिखा रहे, 81 में 18 कैरी, अब 81 8 170 170 का जीरो, और फिर 9 × 8 और 81 70 98, हाँ अभी की है सच में, अच्छा वाह बाबू अभी सच में की है, वेरी गुड, वाह वाह मेरे बाबू, वाह वाह, देखिए बाबू सोना नहीं हुआ, अदित्री अदित्री बाबू नहीं हुआ,
यस सर हो गया। देखिए कैसे करना, 9 मल्टीप्लाई 9 सर, 9 जा कितना सर 81, 81 में बाबू 81 हो गया ना, तो 81 में 1 लिखेंगे, कैरी क्या हो गया 8, इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई, तो 9 सर 81 सर, ठीक है सर 9 सर 81 सर, और एक 8 यहां से कैरी है 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और ये 17 हो जाएंगे, तो 170 में हम लोग 173 जीरो लिखे, जीरो हो गया। अब फिर बाबू इसको करो 9981 हो गया, ये 81 और 17 पीछे से कैरी हो गया, तो 8 हो गया 9 हो गया, तो 98, तो यही तो करना। अब इसको बाबू आप जितना जल्दी ऐड करो है ना, जितना जल्दी ऐड करो उतना जल्दी सॉल्व, और क्वेश्चन दीजिए दो चार को दे देते बना के लाने के लिए है ना, वो बना के लाइएगा आप लोग ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ऐसी मेथड से सर इसको भी पैर में लिख लें। हाँ बाबू इसको भी लिखना, आ शैतान, मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड बाबू, ये तो बहुत जरूरी है, बगल में अलजेब्रा का लिख लेंगे अब, ये बहुत जरूरी बाबू, इसके बिना दुनिया अंधकार है बाबू, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो आगे का कुछ सीख नहीं पाएगा। 11 नंबर बाबू 6564 इसको बना के लाना, ये डी आई बाय बाबू, आगे हमको अभी और पढ़ाना, अभी और पढ़ाना है ना। 12 नंबर बाबू 9798 सर इसको कब चेक कीजिएगा, इसको बना के लाना है तो कल चेक करेंगे, कल संडे है, कल तो आप लोग का टेस्ट होगा ना बाबू, जिस दिन मौका मिल जाए बाबू, मंथली टेस्ट है ना सर, हाँ बाबू कल मंथली टेस्ट है, आप लोग भी प्राइज लीजिएगा बाबू, अटेंडेंस तो कैसे मेंटेन नहीं हो पाया, ठीक है टेस्ट का प्राइज दे दे, बहुत पैसे खर्चे हो जाते हैं बाबू, आते नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, टेस्ट का प्राइज अटेंडेंस का प्राइज कौन इतना करता है, रिकॉर्डेड लाइफ एडवर्टाइजमेंट ये वो, 88 बाबू 87 दो दो घंटा का क्लास, दो दो तीन तीन घंटे का क्लास बाबू 70 बाबू 65 चलो इतना आप लोग करके लाना, नेक्स्ट पढ़ाएंगे आगे, आगे पता पढ़ाना, जल्दी करो बाबू। सर 11 नंबर का सर 4160 पहले लिखो, ठीक है ना, टाइम पास मत करो, लिखो जल्दी से आगे बताना हमको, सर लिख लिया, लिख लिया दित्री सर, लिख लिया, लिख लिया दित्री, यस सर, चलिए लिख ली सानवी, हो गया सर, चलिए ठीक है नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाबू, देखो अगर कहीं दो डिजिट का नंबर है बाबू और लास्ट में क्या रहे सिर्फ उन्हें सेम नंबर है, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, अगर 5-5 रहे जैसे क्या बाबू 16 हो गया ना, इसको स्टार देके देंगे बाबू, स्टार देके देना, एक नंबर से फिर शुरू करो, स्टार देके करना बाबू एक नंबर से शुरू करो है ना, कहीं भी बाबू 15 × 15 रहा है, ठीक है सर, अगर इस टाइप का रहा है या बाबू क्या रहा है 25 × 25 रहा है, मतलब लास्ट में क्या रहना चाहिए बाबू 5 रहना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, या बाबू 35 × 35 हो जाए, ठीक है, या बाबू क्या ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं, ऐसे ऐसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 45 × 45 हो जाए, या बाबू 55 × 55 हो जाए, मतलब लास्ट में क्या रहना चाहिए, लास्ट में क्या रहना चाहिए बाबू 5 रहना चाहिए और नंबर सेम होना चाहिए है ना, नंबर सेम होना लिख चाहिए, लिख लो सर, लिख लो नेक्स्ट बाबू, या 65 बाबू 65 हो जाए है ना सर बाबू, किस में मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, 7 नंबर बाबू, या बाबू 85 × 85 हो जाए, या बाबू 8 नंबर 75 × 75 हो जाए, या बाबू 9 नंबर 95 × 95 हो जाए, इसको कैसे एक लाइन में करोगे, ठीक है लिख लिया, अब देखो समझो समझो, इसमें बाबू कंसेप्ट नहीं लगाना है, इसकी कहानी सुनो, लिखना बंद कीजिए आप लोग, अदित्री लिखना बंद कीजिए, क्यों ना माथा पर से हाथ हटाए बाबू, ठीक है चलिए अच्छी बात है, जानवी बंद कीजिए लिखना, चलिए सुनिए, जब भी बाबू इस तरह से नंबर रहे, मतलब क्या लास्ट में 5 रहे बाबू और नंबर सेम रहे, जैसे यहाँ क्या 15 × 15 25 × 25 मतलब इतना ही केस के लिए वैलिड है,
ये जो मेथड है बाबू इतना ही केस के लिए वैलिड है ना, जो अभी बताएंगे वो इतना ही नंबर के लिए वैलिड है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं वैलिड है, यही रहेगा तब करना। ठीक है, देख क्या करना बाबू, ये लास्ट वाले नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 5 × 5 मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, और यहाँ जो नंबर रहेंगे वो उसमें एक इंक्रीज कर देना, तो 1 में एक इंक्रीज करोगे क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर 2 × 1 कर देना तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया, देखो क्या करना बाबू, अगर ये 25 नंबर है ना, तो देखो क्या करना, ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 मल्टीप्लाई कितना 25, ठीक है सर, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देना, कोई कैरी कोई अथी नहीं कुछ नहीं, ठीक है सर, लेकिन ये इतना ही 9 नंबर के लिए इनवैलिड है। उसके बाद ये 2 है ना बाबू, तो इसमें एक ऐड कर देना, तो 2 में एक ऐड करोगे 3 हो जाएगा, अब 3 बाबू इसको मल्टीप्लाई करना, 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझो, नहीं समझ में आया यहाँ समझो, हम क्या बोले बाबू, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, और यहाँ 4 है बाबू, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 4 × 3 को एक बढ़ा देना, ओनली 1 बढ़ाना था, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक को बढ़ाना है सर कि दोनों को बढ़ाना है, एक ओके 3 × 3 ना बोलते, 3 में एगो को एक इंक्रीज कर देना प्लस 1, तो 4 × 3 = 12, ठीक है ना, 3 में प्लस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, अब 4 को बाबू इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 × 3 कितना 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। देखो यहाँ कैसे करो बाबू, इसको 5 को मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल से कुछ सोचना नहीं है, 5 मल्टीप्लाई करो कितना 25, यहाँ 4 है ना बाबू, तो 4 में प्लस 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 को बाबू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 कितना 20, यहाँ देखो 5 कितना लिख देंगे बाबू 25 लिख देंगे, यहाँ 5 है तो 5 में प्लस 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6, और 6 मल्टीप्लाई 5 कितना 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, रेस्ट आप बाबू करके लाइएगा, समझे जानवी? अदिति समझी कि नहीं समझी बाबू? यस सर, समझ में आया। हाँ, तो ये 9 केस के लिए ये मेथड वैलिड है ना बाबू, तो कोई भी अगर आपसे पूछता बाबू कि 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, तो डायरेक्ट करना 25 25 5 5 25 ऐसे इंक्रीज करना, तो 3 × 6 डायरेक्ट इसको बताना बिना कॉपी पेन का। समझे से हो ना, ऐसे हो ना आप सानवी? यस सर, ठीक है बाबू, डायरेक्ट हम पूछेंगे, जैसे आपसे कभी पूछ देंगे 45 × 45 तो कैसे करोगे, 25 और एक बढ़ा देना 45 है ना बाबू, तो 4 को एक बढ़ा देना 5 कर देना, 5 + 5 × 4 कर देना, जिसको सर सब कुछ हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये और कंसेप्ट है, एक और है बाबू, एक मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा बाबू, फिर से कनेक्ट कीजिएगा। एक मिनट में आपके वीडियो बंद हो जाएंगे, फिर से कनेक्ट कीजिएगा। सर स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा हट जाइए। ठीक है सर, ले लिए सर। चलिए ठीक है बाबू, तो सब बन गए सो ना सर, तो इजी है, बताया तो सानवी, 75 × 75 डायरेक्ट बोलिए सानवी, 75 × 75 यस सर, 75 × 75 हाउ मच, 5600।